हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। आज भी लोग काम में सब बिजी हैं और मेरा काम है आज दो काटने का, और बाकी लोगों का काम है लकड़ी काटने का, किसी का काम है लकड़ी लेके आने का, किसी का काम है लकड़ी रखने का। कल भी हम लोग काम में बिजी थे और आज भी हम लोग काम में बिजी हैं। इसलिए बिजी होना हो रहा है ना क्योंकि दो चार दिनों से मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। बारिश और बर्फ़बारी का कुछ पता नहीं है कब से बारिश हो जाए और कब से बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाए। इससे अच्छा लकड़ियाँ भी रख देते हैं, घास वास जो जो भी है। घास तो कुछ है नहीं वैसे भी, कुछ सॉल वॉल है तो वो भी रख लेते हैं। तो इसलिए सब लोग आजकल काम में बिजी ज़्यादा रह रहे हैं। यहाँ पर पूजा का काम चल रहा है दो काटने का, पतिदेव और पापा का काम चल रहा है लकड़ी रखने का, विजय और सूरज का काम चल रहा था लकड़ी लेके आने का। तो अभी इन दोनों का चल रहा है रेस्ट। इतनी लकड़ियाँ सूरज और विजय ने यहाँ पे पहुँचा दी है। अब पापा और पतिदेव की स्पीड थोड़ा कम हो रही है ना रखने में, तो इसलिए दोनों रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा। और सामने हो रही है बर्फबारी, देखिए क्या पता शायद कल परसों तक हमारे यहाँ भी बर्फ पड़ जाए। ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है सामने वाला पहाड़, उसमें बर्फबारी हो रही है। इस साइड को तो कल ही हो गई थी और यहाँ को हो रही है अभी। पूजा दो चक्कर आ गई, दूसरा चक्कर है पूजा का। ये विजय और सूरज पानी कहाँ गए यार? विजय कहाँ गया? और यहाँ पे लकड़ी फाड़ने का काम चल रहा है, पूजा का काम चल रहा है लकड़ी लेके जाने का, और इनका काम चल रहा है लकड़ी फाड़ने का। सूरज का काम भी चल रहा है जो नीचे गिरी है लकड़ियाँ उनको लेके आने का। विजय को शर्म आ रही है पता नहीं। हाँ विजय, शर्म आ रही है? विजय नहीं आ रही है शर्म? विजय का काम चल रहा है यहाँ से लकड़ियाँ ऊपर फेंकने का, सूरज का काम चल रहा है यहाँ से लकड़ी लेके जाके वहाँ पे फेंकने का, और पापा आ गए काम देखने के लिए। मैडम कितने चक्कर चले गए आप? पूजा पूरे तीन चक्कर चली गई है, चार। अच्छा पूजा बोल रही तीन नहीं चार चक्कर चले गई हूँ मैं। और पतिदेव का काम चल रहा है अच्छे से लकड़ी रखने का। पतिदेव का काम सबसे आराम वाला है ना पतिदेव? सबसे आराम वाला है आपका काम। और मेरा काम था दो काटने का, वो छोड़ के मैं ब्लॉग बनाने के पीछे लग गई हूँ। तो एक बार फटाफट से दो काट लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। पूजा मैडम आपको ये काम अच्छा लग रहा है? दो काटने वाला काम अच्छा लग रहा है? ये काम अच्छा लग रहा है? देखो यार पूजा को दो से इतनी मतलब धो गई है उसको। पूजा को दो हो गई ना क्योंकि रोज उसका भाई काम हो रहा था दो काटने का, दो काटने का आफत आ गई होगी उसकी भी तो। हाँ बच चुके हैं बाहर और मैं करने लगी हूँ दिन के खाने की तैयारी। आज के मौसम के बारे में तो क्या ही बताऊँ यार, इतना ठंडा हो रहा है ना, बाप रे हालत ही ख़राब हो जा रही है। और खलिया टॉप में तो बर्फ़ पड़ गई है, अब हमारे यहाँ पता नहीं कब पड़ती है। तो एक बार फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो आज हम लोग खाने में बनाने वाले हैं भात के साथ भट की दाल। भट हमने भिगो के कल भिगाए थे, भट हमने आज उबाले थे, उसके बाद मिक्सी में पीस कर। तो मेरी दाल बन चुकी है, एक बार उनको फटाफट से खाना खिला देते हैं। अभी बच चुके हैं दो और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है। विजय, पतिदेव और सूरज चले गए हैं मैच देखने के लिए, तो उन लोगों ने आधा ही काम छोड़ा है आज क्योंकि वो लोग मैच देखने चले गए हैं। तो बाकी काम वो लोग कल करेंगे शायद, और मेरे को जाना है खेत में। तो खाना पीना खा के मैं आ गई थी खेत में। जैसे मैं खेत में आई ना थोड़ी थोड़ी धूप भी आ गई थी। मैंने काट लिए केले की पत्तियाँ, तो उनको लेके जाती हूँ एक बार घर फटाफट से। अभी बजे हैं शाम के 5 और आज सबसे बड़ी खबर अच्छी ये है कि हम लोगों ने घर का काम फटाफट से कर लिया है। पूजा और मैं जा रहे हैं आज बैडमिंटन खेलने के लिए, तो देखते हैं कैसा खेलते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा कि हम लोग कैसा खेलते हैं करके। बाकी देखिएगा सामने वाली पहाड़ी पे इतनी प्यारी सी धूप जाने की तैयारी में हो रही है, और सामने वाली पहाड़ी में उस साइड वाली पहाड़ी में बर्फबारी हो रखी है। कल थोड़ा कम हुई थी और आज कई ज़्यादा हो रखी है वहाँ पर। पूजा और पतिदेव ने तो रगा दी है रेस, तो मैं भी फटाफट से जाती हूँ, मैं क्यों लेट हूँ। और ये है दादा का घर, और हम लोग दादा के फील्ड में खेलते हैं। दादा तो घर नहीं है, दादा हल्द्वानी गए हुए हैं। तो इन लोगों का चल रहा है बैडमिंटन,
विजय और केशव बने दर्शक और दीपू बने है रेफरी। अब इन दोनों को होने लग गई है लड़ाई। देखो रेफरी दगाबाजी कर रहा है लग रहा है। रेफरी दगाबाजी करने लग गया। भाई सर्वमान्य होगा भाई। अब बारहवें वाली तैयार सही में 10 की 10 11 में 10 10 और तो है। हां 11 या 13 में होगा। सही कर रहे हैं। चलो 11 तो हो गया था। चलो भाई अभी अभी खेलना 10 10 लगा नहीं आप खेलो। अच्छा सजा भी दीदी के सामने जो मैं चाह रहा उसको ये सजा मिली है। शाबाश शाबाश बैठ जाओ ना जी। अच्छा दिखाएंगे आगाशी दिन हमने तो टॉप। अच्छा आप चार चार आ गए खेलने के लिए। एक साइड है केशव और दीपू, एक साइड है पतिदेव और प्रकाश। तो थोड़ी देर खेल के हम लोग जाने लग गए हैं नीचे वाले घर, क्योंकि अब हमको करना है रात के खाने की तैयारी। तो फटाफट से जाते हैं घर को। तो पूजा और मैं आ गए किचन में और आज हम लोग रात के खाने में बनाने वाले हैं मटर की सब्जी, जो कि पूजा ने सुबह भिगा दी थी। आज पूजा की जिद थी आज की मटर की सब्जी बनाते हैं करके। तो आज पूजा ने ना दिन में भी कम बात खा रखा है कि मैं मटर की सब्जी पेट भर खाऊंगी करके। तो मटर में पूजा ने डाल दिया है पानी और नमक। नमक डाल के ना जल्दी पक जाते हैं, इसलिए पूजा ने मटर में नमक डाल रखा है थोड़ा। आपने करा वो सब, अब मेरी बारी है। करा दो कोई हम। एक मैं नहीं जाएगा, एक और मुझे। अभी तक तो मैं कह रहा था तब दोनों जने गेम के अंदर घुस गए हैं। घुस नहीं तो कहां होते, अभी तो सब नहीं होंगे। हल्ला मत करो तू, पापा को देखो गेम खेलते खेलते गुस्सा भी आ रहा है। तो खाना पीना खा के हम लोग आ गए रूम पे। तो आज के ब्लॉग में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।